नमावो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यनामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा। आज हम सत्यव्रत मुनि द्वारा रचित दामोदराष्टकम के चौथे श्लोक के बारे में आज चर्चा करेंगे। इस श्लोक में सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं, वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिम वा न चान्यम वृणेहम वरेषादपीह इदम ते वपुर्नाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्याविरास्तम अलम लक्ष्य लाभैः। तो सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं, प्रभु मुझे मोक्ष का वरदान नहीं चाहिए। मोक्ष जीवन के सर्वोच्च लक्ष्यों में से एक है। धर्म अर्थ काम मोक्ष हर व्यक्ति चाहता है कि इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति चाहिए। तो सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं कि मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। तो प्रश्न ये उठता है, तो आपको क्या चाहिए? मोक्ष से उससे भी श्रेष्ठ क्या है? तो मोक्ष से श्रेष्ठतर यह है कि मुझे वैकुंठ में, गोलोक धाम में मुझे वास मिले। तो अगर हमें वैकुंठ में हमें वास चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, वो भी एक लक्ष्य जीवन का हो सकता है। तो सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं, न चान्यम वृणेहम वरेषादपि है, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, मुझे वैकुंठ में वास भी नहीं चाहिए। अब देखिए सत्यव्रत मुनि की भक्ति कितनी उच्च श्रेणी की है। हे प्रभु, मेरे मन में सदा आपका नाम, आपका रूप रहे। मेरे मन में, मेरी आंखों के समक्ष सदैव गोपाल का बाल स्वरूप आपका जो है वो सदैव होना चाहिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो ये सत्यव्रत मुनि का उनकी प्रार्थना है। और वो सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं, यदि मेरे आंखों के समक्ष आपका ये गोपाल का बाल स्वरूप अगर मेरे आंखों में के सामने सदैव है, किम अन्य ही, तो मुझे किसी और वरदान से क्या लेना देना? मुक्ति से मैं क्या करूंगा? मैं वैकुंठ धाम प्राप्त करके क्या करूंगा? जीवन में और किसी वस्तु का कोई अर्थ नहीं है। अगर आपका बाल कृष्ण के बाल स्वरूप अगर आपके मन में सदैव है और आके आपके आंखों के सामने हैं, तो किसी और वस्तु में आपका मन नहीं लग सकता है। जब भगवान कृष्ण की का बाल स्वरूप किसी के मन में व्याप्त हो जाए, तो उसको धर्म अर्थ काम मोक्ष इनमें किसी भी वस्तु में उनको रुचि नहीं होगी। यहां तक कि वैकुंठ वास भी उसमें भी उसको रुचि नहीं रही। तो भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि परम दृष्ट्वा निवर्तते रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। कोई भी जीवात्मा अगर सांसारिक भोग विलास से या फिर इंद्रिय तृप्ति से दूर नहीं है, तो हमें समझना चाहिए कि वह वैराग्य से अभी भी वंचित है। वैराग्य का बाह्य रूप इंद्रियों के सुख सुविधा को त्यागने से ही वैराग्य माना जाता है, किंतु केवल बाह्य रूप से त्यागना, ये जो इंद्रियों की और इंद्रिय वस्तुओं को त्यागना ही वैराग्य नहीं है। तो इंद्रियों की प्रति हमारी जो आकर्षण है, इंद्रिय वस्तुओं के प्रति जो आकर्षण है, वो हमारे हृदय से संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाने चाहिए। तो तभी ये सच्चा वैराग्य कहलाता है। तो इंद्रिय वस्तु क्या होती है? हमारे पांच ज्ञानेंद्रिय हैं। ये पांच ज्ञानेंद्रिय कौन कौन से हैं? नेत्र, कर्ण, जिह्वा, नासिका और त्वचा। ये पांच हैं ज्ञानेंद्रिय। इनको ज्ञानेंद्रिय इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हम इस बाह्य जगत के बारे में, जो भी भौतिक जगत के बारे में जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, इन पांच इंद्रियों के द्वारा ही प्राप्त करते हैं, और इसीलिए इनको ज्ञानेंद्रिय कहा जाता है। सभी ज्ञानेंद्रियों की, हर एक ज्ञानेंद्रिय की एक इंद्रिय वस्तु भी है। नेत्रों के लिए इंद्रिय वस्तु है रूप, कर्ण के लिए इंद्रिय वस्तु है शब्द,
जिह्वा के लिए इंद्रिय वस्तु है स्वाद यानी रुचि, और नासिका नाक के लिए इंद्रिय वस्तु है सुगंध, और त्वचा के लिए इंद्रिय वस्तु है स्पर्श। ये पांच इंद्रिय, ये पांच ज्ञानेंद्रिय के लिए ये पांच इंद्रिय वस्तु हैं, और हर समय हम इंद्रिय वस्तुओं के पीछे हम भागते रहते हैं। हमारे ज्ञानेंद्रिय हमें इंद्रिय वस्तुओं के पीछे भागने के लिए विवश कर देते हैं। हमारे आंखें जो हैं किसी न किसी सुंदर वस्तु देखने की इच्छा करती हैं और हमें प्रेरित करते हैं कि हम किसी सुंदर वस्तु को देखें। कर्ण को कोई मधुर संगीत श्रवण करने की इच्छा होती है, जिह्वा को स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ चाहिए। इस प्रकार से ये इंद्रिय जो है हमें विवश करते हैं इंद्रिय वस्तुओं के पीछे भागने के लिए। इसका अर्थ यह है कि हम जीवन भर अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए इंद्रिय वस्तुओं के पीछे हम भाग रहे हैं, और इस प्रकार से हम अपने इंद्रियों के दास बन चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर हमने इंद्रिय तृप्ति कर ली, उस इंद्रिय वस्तुओं को हमने अगर पा लिया तो हमारी तृष्णा समाप्त हो जाती है। नहीं, हमारी तृष्णा तो बढ़ती रहती है। इन इंद्रिय वस्तुओं के प्रति हमारी इंद्रियों की जो तृष्णा है वो हर समय बढ़ती ही रहती है। कभी भी इंद्रियों की तृप्ति पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है। अगर हम समझते हैं कि इंद्रियों को तृप्त करने से इंद्रिय शांत हो जाएंगे, ये कभी भी संभव नहीं है। जितना हम इंद्रिय वस्तुओं की भोग करेंगे, उतना ही हमारी लालसा बढ़ती जाएगी इंद्रिय वस्तुओं के प्रति। जैसे कि उदाहरण के लिए, जब भी हवन हम करते हैं तो उसमें घी डालते हैं। जैसे ही हमने घी उस हवन में डाला तो उस समय ऐसा लगता है कि अग्नि थोड़ी देर के लिए शांत हो गया, किंतु थोड़ी समय के बाद क्या होता है, फिर से भुक अग्नि फिर से और भी तीव्र गति से वो अग्नि आगे निकल के आती है। ठीक उसी प्रकार जब इंद्रिय वस्तुओं से हम शांत करने का प्रयास करते हैं तो थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है कि इंद्रिय अभी शांत हो गए, किंतु थोड़ी देर बाद क्या होता है, और भी तीव्रता से इंद्रिय आगे आएंगे कि मुझे और चाहिए, और इंद्रिय वस्तु चाहिए। तो ये कभी भी इंद्रिय वस्तुओं को के द्वारा इंद्रियों को शांत करना संभव नहीं है। तो इंद्रियों को किसी भी प्रकार से हम कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकते। इंद्रियों का दास बनकर क्या हमें आजीवन भर हमें ऐसा ही रहना है इंद्रियों के दास बनकर? वास्तव में हम इंद्रियों के दास नहीं हैं, हम तो इंद्रियों के मालिक हैं। तो भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अगर हम इंद्रिय वस्तुओं से दूर हो भी जाएं तो भी हमारे हृदय में उनके प्रति जो आकर्षण है वह समाप्त नहीं होता। तो उस आकर्षण को ही समाप्त करना है, जड़ से उसको उखाड़ना है, तो यह कैसे संभव है? रसवर्जम रसोप्यस्य, हमने उस रस, ये जो इंद्रिय वस्तुओं का भोग जो है, उसका रस जो है उसको तो हमने छोड़ दिया, फिर भी रसवर्जम रसोपी उसका उसका उसके प्रति जो आकर्षण है वो समाप्त नहीं हुआ। परम दृष्ट्वा निवर्तते, अगर हम भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षित होते हैं तब हमारे इंद्रिय शांत हो सकते हैं, तब हम इंद्रिय वस्तुओं के प्रति हमारा जो आकर्षण है वह समाप्त हो सकता है। हमारे हृदय में वैराग्य, सच्चा वैराग्य तभी जाग सकता है जब हम भगवान कृष्ण की भक्ति, प्रेममय भक्ति जब हम करें। ज्ञान, धर्म, कर्म, इन सब चीजों से वैराग्य हृदय में नहीं आता है, किंतु भक्ति से, भगवान की सच्ची सेवा से हमारे हृदय में सच्चा वैराग्य जगह ले सकता है। ज्ञान से और ध्यान से हमें भक्ति नहीं मिलेगी, भक्ति कैसे मिलेगी? कर्म और वैराग्य से भी हमें भक्ति नहीं मिल सकती है। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं अगर ज्ञानी बन जाता हूं तो मैं भक्त से आगे बढ़ गया हूं, या फिर मैं अगर ध्यान करता हूं, मैं अष्टांग योगी बन जाता हूं, तब मैं भक्त से आगे बढ़ गया, किंतु भक्ति कभी भी इन चीजों से लभ्य नहीं है। वास्तव में श्रीमद् भागवत पुराण में यह बताया गया है,
वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यदाहैतुकम्। तो भागवत पुराण में बताया गया है जब हम भगवान वासुदेव भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं तो अपने आप ज्ञान और वैराग्य हमारे पीछे पीछे आते हैं। आपको अलग से ज्ञान प्राप्त करने की प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो शास्त्रों में यह भी बताया गया है मुक्ति ही मुकुलितांजलि ही सेवते अस्मान। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति में ही सेवा करता है उसके द्वार पर मुक्ति ज्ञान और वैराग्य स्वयं खड़ी हो जाती हैं और हाथ जोड़कर बोलती हैं मुझे आप सेवा करने का एक अवसर प्रदान करें। तो मुक्ति के लिए आपको मुक्ति के लिए कुछ नहीं करना है, आपको मुक्ति के लिए भागना नहीं है, ज्ञान के लिए आपको भागना नहीं है, वैराग्य के लिए आपको भागना नहीं है। आपको करना क्या है, केवल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे, इस मंत्र का आप अगर जप करेंगे, भगवान को भगवान कृष्ण को इस कार्तिक मास में दीपदान करेंगे, उनकी भक्ति में सेवा करेंगे, तो आप वैराग्य ज्ञान ये सब चीजें अपने आप आपके द्वार पर खड़ी हो जाएंगी। तो भगवान कृष्ण को हम प्रतिदिन छोटी छोटी चीजें जैसे खाद्य पदार्थ, हर दिन हम जो भी खाना बनाते हैं घर में बिना प्याज लहसुन का उसको बनाएं, बिना उसको चखे भगवान कृष्ण के समक्ष रखकर एक तुलसी के पत्ते रखकर आप उनको समर्पित करें। एक अगर आप खाद्य पदार्थ नहीं उनको समर्पण कर सकते कम से कम एक फल तो उनको समर्पण कर सकते हैं, फल भी नहीं हो सकता है कम से कम एक गिलास पानी तो उनको समर्पण कर सकते हैं। छोटी छोटी सेवाएं हैं ये, और इनमें अगर आप तत्पर रहेंगे तो भगवान कृष्ण जो अजीत हैं आप उनके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो अपने आप जब आप भगवान कृष्ण को के ऊपर आप विजय प्राप्त कर लिया तो अपने आप ज्ञान वैराग्य ध्यान ये सब कुछ अपने आप आपके पीछे आएगा। तो कृपया आप सब लोगों से अनुरोध है कि प्रतिदिन कम से कम 108 बार हरे कृष्ण मंत्र जप करने का एक संकल्प लें और इस कार्तिक मास में जितनी भी मालाएं अधिक आप जप कर सकते हैं उतना आपके लिए लाभदायक है। और प्रतिदिन कम से कम एक दीप तो आपको भगवान कृष्ण के लिए इस कार्तिक मास में तो प्रतिदिन आपको उनको समर्पण करना है। और कोई भी वस्तु आप भगवान को अर्पण जो भी आप यथाशक्ति आप अर्पण कर सकते हैं आप भक्ति से प्रेम से आप उनको अर्पण करेंगे तो कार्तिक मास में तो आपको उसका अधिक गुना लाभ मिलेगा। अगर कोई गरीब व्यक्ति है तो थोड़ा सा जल एक फल या फिर एक फूल उनको अर्पण समर्पित कर सकता है भक्ति भाव से लेकिन समर्पण करना होता है। और अगर आप धनवान हैं तो आप अच्छे से अच्छे प्रसाद या उसके सामग्री भगवान कृष्ण को समर्पित कर सकते हैं और इस प्रसाद का लोगों में वितरण कर सकते हैं। भगवान कृष्ण अपने भक्तों से छोटी सी छोटी वस्तु मांगते हैं, कोई बड़ी चीज उन्होंने नहीं मांगी। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, उन्होंने कहा है कि एक पत्र या फिर एक पुष्प एक फल एक एक, एक थोड़ा सा जल मुझे समर्पण करो। ये भगवान कृष्ण कोई बड़ी चीज नहीं मांग रहे हैं, किंतु प्रेम के कारण भक्त क्या करते हैं, भक्त कीमती से कीमती वस्तु भगवान कृष्ण को अर्पण करना चाहते हैं। ये प्रेम का लक्षण है। जैसे उदाहरण के लिए माँ अपने पुत्र से कभी भी कोई भी चीज नहीं चाहती है, उसकी उसका केवल प्रेम के कारण वो पुत्र की संरक्षा करती है, उसका पालन पोषण करती है, तो उससे उसको पुत्र से कोई अभिलाषा नहीं रहती है। किंतु पुत्र जब बड़ा होता है वो चाहता है कि मैं माँ को सबसे अच्छी वस्तु में मैं उनको दे सकूं। ये प्रेम का लक्षण है। ठीक उसी प्रकार भक्त भी भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धा उसके होने के कारण वह प्रभु को सब कुछ न्यौछावर करना चाहता है, सबसे सबसे भव्य वस्तु भगवान को अर्पण करना चाहता है, एक भव्य मंदिर बनाना चाहता है और मंदिर में भगवान के लिए एक भव्य सिंहासन प्रदान करना चाहता है। ये सब भक्तों के लक्षण हैं। तो कृपया आपसे अनुरोध है कि भक्ति से आप भगवान कृष्ण के लिए जो भी यथाशक्ति आप भगवान को समर्पण करें और आप हरे कृष्ण मंत्र जप करें और एतद् द्वारा आप भगवान के भक्तिमय सेवा में लगे रहेंगे तो ज्ञान ध्यान और फिर वैराग्य ये सब चीज अपने आप आपके पास चले आएंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।